हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गौरव यादव इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में फेस फेलर रिले के कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हम पावर सर्किट डायग्राम समझा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप वीडियो देख लें, हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा आपको। यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम एक सिंगल पोल की MCB लगाएंगे, जो हमने 6 एम्पियर की MCB लगा रखी है। किसी भी RYB फेस से सप्लाई इसमें इन करेंगे और जो सप्लाई हम अपने MCB से आउट करेंगे उसको हम अपनी जो फेस फिलर रिले लगा रखी है इसके 13 नंबर पॉइंट में लेकर के जाएंगे। 13, 14 और 15 NONC पॉइंट हैं इसके। मैं आपको डिस्प्ले पे इसके टर्मिनल दिखा देता हूँ। जैसा आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, 1, 2, 3, ये तीनों टर्मिनल इसके RYB टर्मिनल हैं, जिसमें हमने जब पावर सर्किट समझाया था तो RYB तीनों फेज दिए थे। यहाँ हम 13 नंबर पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है, 14 NC है और 15 NO। तो 13 नंबर में हम सप्लाई देंगे और 14 नंबर पॉइंट से आउट कर लेंगे। अब 14 नंबर से जो सप्लाई को आउट करेंगे, ये हम ओवरलोड जो हमने लगा रखी है, ओवरलोड रिले में लेकर जाएंगे। ओवरलोड रिले के कॉमन पॉइंट में लेकर के जाएंगे। कॉमन पॉइंट 95 नंबर होता है और 96 नंबर NC पॉइंट होता है। 96 नंबर से हम सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा रेड पुश बटन है, जिसे हम NC पुश बटन बोलते हैं, रेड पुश बटन में सप्लाई देंगे। अब दोस्तों, पुश बटन से सप्लाई को आउट करेंगे वो लेकर के जाएंगे हम ग्रीन पुश बटन में, जो हमारा NO पुश बटन है। अब दोस्तों, हम NO पुश बटन से सप्लाई को आउट करके मेन कॉन्टैक्टर के A1 में लेके जाएंगे। A1 और A2 कॉइल होते हैं दोनों, जिसमें फेस न्यूट्रल दिए जाते हैं। A2 में दोस्तों हम न्यूट्रल दे देंगे। अब दोस्तों, मेन कॉन्टैक्टर का जो A1 पॉइंट है, जहां हमने सप्लाई दे रखी है ग्रीन पुश बटन से, वहाँ से एक लूप उठाएंगे और मेन कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में दे देंगे, क्योंकि हमें कॉन्टैक्टर को होल्ड करना है। अगर हम किसी दूसरी कंपनी का कॉन्टैक्टर लगाते तो वहाँ हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है NO पॉइंट के लिए, लेकिन यहाँ हमें टर्मिनल पहले से अवेलेबल हैं तो यहाँ हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दोस्तों मेन कॉन्टैक्टर का नीचे वाला NO पॉइंट है, यहाँ हम रेड पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई ले जा करके जोड़ देंगे। ऐसे करके कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। और ये जो टोटल अब तक की वायरिंग थी, ये DOL स्टार्टर की वायरिंग है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप DOL स्टार्टर की वायरिंग देख सकते हैं। अब शुरुआत होती है हमारी स्टार डेल्टा की वायरिंग। अब जो मेन कॉन्टैक्टर है दोस्तों हमारा, जिसके A1 में हमने सप्लाई दे रखी है अपने ग्रीन पुश बटन से, यहाँ से एक लूप उठाएंगे और हमारा जो टाइमर लगा रखा है हमने, टाइमर के A1 पॉइंट में दे देंगे। और टाइमर के A1 पॉइंट में तो हमने फेस दे दिया और A2 पॉइंट में हम न्यूट्रल दे देंगे। अब A1 पॉइंट से ही हम एक लूप उठाएंगे जो टाइमर के कॉमन पॉइंट में दे देंगे, जैसा आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, जो टाइमर का हमारा NC पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर के साथ और स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड होता है, तो इसका 16 नंबर पॉइंट NC पॉइंट है, जहाँ से हम सप्लाई को आउट करेंगे। और जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर लगा रखा है, डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में लेकर के जाएंगे और NC पॉइंट से दूसरे NC पॉइंट से सप्लाई को आउट करके हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है, स्टार कॉन्टैक्टर के A1 में लेकर के जाएंगे कॉइल में। उसको हमने ऐसा किया क्यों कि हमारा एक ही टाइम पे और एक ही कॉन्टैक्टर होल्ड हो। मान लीजिए हमारा टाइमर ख़राब हो जाए बाई चांस, तो भी हमारा सिर्फ डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड ना हो, स्टार कॉन्टैक्टर ही पहले होल्ड हो, क्योंकि NC से सप्लाई तो जाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, हम टाइमर के NO पॉइंट से, जो 17 नंबर टाइमर का NO पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है, स्टार कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में लेकर के जाएंगे और दूसरे NC पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे, उसको डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाएंगे। जितने भी A2 पॉइंट हैं वहाँ पे हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। अगर मैं यहाँ बनाऊँगा तो बहुत झमेला हो जाएगा, न्यूट्रल तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।